क्वेश्चन है कि सर आपने बताया कि महाराणा प्रताप पहाड़ियों में रहकर मुगल सेना पर आक्रमण करते थे, तो इसका मतलब महाराणा प्रताप भी बाकी और राजाओं की तरह छुप छुप कर वार करते थे। अरे छापा मार युद्ध प्रणाली होती है, छुप छुप के नहीं कहा मैंने, ये ठीक लाया। और बाकी वाले राजा लड़ ही नहीं रहे थे उन दिनों के अंदर, वो लड़ रहा था। ये पहाड़ों में लड़ने का तरीका होता है उसको बोलते हैं छापा मार। ऐसे थोड़ी क्यों पिज्जा का त्या आपने त्या खेला कि नहीं खेला बच्चों ने? नहीं खेला? चौदह बीजा त्या। पिताजी का नाम क्या था? आस्करण। मम्मी का नाम क्या था? आस्करण जी जसवंत सिंह के मंत्री थे। पहले राजा कौन थे? जसवंत सिंह जी, उनके एक मंत्री, उन मंत्री का नाम क्या है? आस्करण। आस्करण जी की तीन रानियां थी। कितनी रानियां थी? तीसरी और सबसे छोटी जो रानी थी उसका नाम क्या था? नेतकंवर। नेतकंवर के जो बेटा हुआ वो कौन था? तो दुर्गादास के जन्म के थोड़े दिनों बाद ही आस्करण जी की नेतकंवर की आपस में बननी बंद हो गई, तो उन्होंने अपनी इस रानी को उसके बेटे के साथ अलग कर दिया, एक गांव दे दिया, ये गांव है, यहाँ से जो भी इनकम आती है तुम रखो और मैं तुम्हें साथ नहीं रखूंगा। तो दुर्गादास जी अपनी मम्मी के साथ ही रहते थे बचपन में। कौन से गांव में? लुणेवा। कौन से गांव में? कुल मिला के दुर्गादास जी को बचपन में अपने पिताजी का प्यार, उनको पाल पोस के किसने बड़ा किया? उनकी मम्मी। अब वहां लुणेवा में दुर्गादास जी अपनी मम्मी के साथ रहते हैं, खेत वगैरह है इनके, खेतों को संभालते हैं। एक दिन दुर्गादास जी अपने खेतों में खड़े, आसपास के किसान बाकी अपने खेतों की रखवाली कर रहे, और वहां से कुछ ऊंट जा रहे थे। वो ऊंट राजा जसवंत सिंह के ऊंट थे। किसके ऊंट थे? और ऊंटों को चराने वाले रह गए पीछे, ऊंट आगे आगे, वो कुछ बीड़ी बीड़ी पीने लग गए होंगे पीछे थोड़े चराने वाले। अब ऊंट बेचारे चराने वाले थे, तब तो रास्ते रास्ते लेके जा रहे थे, चराने वाले थे नहीं। ऊंटों ने आसपास में खेत देखे, खेतों में हरियाली देखी, तो किसमें घुस गए? खेतों। खेतों में घुसे तो किसान और दुर्गादास जी लगे तो ऊंटों को बाहर निकालने लगे। इतने में पीछे से वो बंदे आ गए। उन्होंने बंदे आ गए, उनको बड़ा घमंड था इस बात का कि हम राजा जसवंत सिंह के ऊंट चराने वाले हैं, छोटे मोटे आदमी थे। प्रधानमंत्री जी का कोई बंदा हो, प्रधानमंत्री जी गाड़ी चलाए, प्रधानमंत्री जी का बॉडी गार्ड उसको लगता ना, मैं था मोदी जी के साथ रहता हूँ, तुम हो क्या? मैं आदमी को आदमी भी समझता, बस वो कि वो भाई राजा के बंदे में। और भारत में हर तीसरे आदमी के अंदर एटीट्यूड है, मैं हमेशा ऐसा रहता हूँ कि अपने को दो पुलिस वाले भैया बिना हेलमेट के पकड़ लेते ना, तो भी बंदा बाइक रोकते ही कहता तू जानता नहीं मैं किसका आदमी, है ना? हर आदमी एटीट्यूड रहता है। तो वो राजा के बंदे भाई, वो आए, उन्होंने कहा अरे कौन हो रहे तुम, ऊंट बार कैसे निकाल रहे हो, तुम कौन हो? हम ऊंट चराने वाले हैं। तो यार ऊंटों के साथ रहना चाहिए, हमारा खेत खा गए। उनका तुम जानते नहीं हो, ये राजा जसवंत सिंह के ऊंट। दुर्गादास जी ने कहा कि भले ही किसी के होंगे लेकिन ये खेत हमारा है, ये जसवंत सिंह का नहीं है, और हमारे खेत में यदि घुसेंगे ना ऊंट तो हम इसी प्रकार बाहर निकालेंगे। थोड़ी तू तू में भी बीच में थोड़ा आपस में हॉट टॉक हुई और दुर्गादास ने एक बंदे को मार दिया, उनमें मार दिया, दूसरे वड़न चप्पलें हाथ में ली वहां से। वो भाग के जसवंत सिंह के पास गया। जसवंत सिंह जाकर राजा जी हम रास्ते रास्ते आ रहे थे, एक लड़का खेत में खड़ा हुआ आपको गालियां निकाल रहा था, हम उसके पास गए, हमने जाकर राजा है, राजा को क्यों गालियां निकालता है? तो उसने अपने एक बंदे को मार ओढ़ दिया। जसवंत सिंह ने कहा मेरे राज्य में मुझे गालियां निकाले, मेरे बंदे को मार दो, उठा के लाओ। अगले दिन भाई दुर्गादास को उठा के लेके आ गए। अब जसवंत सिंह अपने दरबार में बैठे हैं, पास वाली सीट पर बैठे हैं आस्करण। लेकिन आस्करण ने यह बता नहीं रखा कि मेरी एक तीसरी रानी को मैंने अलग कर रखा है, वो माँ बेटा अलग रहते हैं। तो दुर्गादास जैसे दरबार में आस्करण तो पहचान गया अपने वाला ये, लेकिन आस्करण जी चुप रहे, कुछ ही नहीं बोले। जसवंत सिंह ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दुर्गादास। पिताजी क्या नाम है? इधर बैठे ये कौन है? और जसवंत सिंह जी ने देखा आस्करण जी ने कहा सर सॉरी, मैं तो इन दोनों माँ बेटों को साथ ही नहीं रखता, इन दोनों में किसी बात के लक्षण है, और आपको खुली छूट, जो सजा देना चाहते वो सजा। अब जसवंत सिंह जी ने कई देर तक तो यूं बातें की कि भाई कल क्या बात हुई तुम बताओ बात, दोनों पक्ष सुने भाई, राजा दोनों पक्ष सुनेगा। फाइनली जसवंत सिंह को ये समझ में तो आ गया कि यार गलती तो अपने बंदे की, इस लड़के की गलती। तो इतने में जसवंत सिंह के मुंह से निकला अरे वो कल उस आदमी को कैसे मारा था? और दुर्गादास के कल से आंख थी उस दूसरे बड़े आदमी पे, और तलवार साथ में रखते थे, तलवार निकाल के दूसरा जो बंदा खड़ा था उसको भरी दरबार में उड़ाया। क्या ये रीप्ले देखो सर ऐसे। और जसवंत सिंह ने कहा मेरे दरबार में मेरे सामने खड़े होके मेरे बंदे को इस निर्भीकता से इस निडरता से कोई उड़ा देता है, यार इस लड़के ज्यादा बहादुर कौन होगा? और उसने कहा कि दुर्गादास कल से तुम यहां बैठोगे आस्करण जी। उस लड़के ने कहते हैं धर्मत के युद्ध में दुर्गादास ही लड़ने के लिए गए थे जसवंत सिंह के साथ में। तो धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने देखा कि अचानक कोई एक लड़का उधर बड़े बहादुर से लड़ रहा है,
चार घोड़े उसके मर गए, कट गए, वो पांचवें घोड़े पे बैठ के लड़ रहा है। 20 साल का एक नवयुवक उस युद्ध में लड़ रहा है, और अचानक जसवंत सिंह ने कहा वो उधर कौन है यार, वो जो लड़ रहा है लड़का लगातार यूं घोड़े पर घोड़े चेंज करता हुआ लड़ रहा है, कि वो दुर्गादास है। तो जसवंत सिंह ने उस दिन अपने मंत्रियों का, इस लड़के को बाहर निकालो, इस लड़के को इस युद्ध में नहीं मरना है, आने वाले समय में ये कभी जोधपुर की रखवाली करेगा। उस राजा में कितना वो दूरदर्शी रहा होगा, उसको बंदियों को पहचानने की क्षमता थी, उसको पता था यार ये लड़का अपने काम आएगा, और वो लड़का एक दिन काम नहीं आया। जसवंत सिंह के मरने के बाद कितने साल तक किसको राजा बनाने के लिए किससे लड़ लिया था? उस समय भारत का सबसे बड़ा बादशाह औरंगजेब है, उसके सामने कोई खड़ा हो जाए यही बहुत बड़ी बात हुआ करती। आप कितने साल तक लड़े हो? कि भाई उस समय यूं वो है कि औरंगजेब जब कभी सुन लिया करता ना कि दुर्गादास इधर दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो औरंगजेब का नशा उतर जाया करता था, अफीम खाता था अफीम, तो दुर्गादास का नाम सुनता तो कहता अफीम और लाओ, नशा उतर गया। सवाल है 1568 के मेवाड़ में तीसरा साकावा, उसमें महाराणा प्रताप का योगदान क्यों नहीं? सुनील तुम लोग यार ऑनलाइन वाले मेरी बात तो सुनते नहीं। मैंने कहा था कि जब अकबर का आक्रमण हुआ तब जयमल ने कहा था कि पूरी की पूरी रॉयल फैमिली बाहर जाके लड़े, रॉयल फैमिली बाहर जाके लड़ेगी, क्योंकि राजा और राज परिवार जिंदा रहेगा तो लोग जिंदा रहेंगे, लोगों की भावनाएं जिंदा रहेगी, और सारे यहीं पर मर गए तो बाकी जनता को उठाने वाला कोई भी बचेगा? महाराणा प्रताप और पूरी रॉयल फैमिली उस समय गिरवा की पहाड़ियों में चली गई, इसलिए महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसलिए आगे का संघर्ष जारी है। उदय सिंह और महाराणा प्रताप और सारे उसके अंदर मर जाते तो मुगलों का कब्जा ही हो जाता ना, बाहर जिंदा रहे तो उस लड़ाई को जारी रखा। मैंने बताया था रीता अच्छा कि चेंज किया जाए लड़ाई को। राजस्थान के राजा मुगल राजकुमारियों से शादी क्यों नहीं करते थे? अरे कोई व्यायाम बड़ा पड़ा, मुगल अपने राजकुमारियों की शादी नहीं करते थे, मुगलों के सारे राजकुमारी कुमारी मरती थी, क्या करते थे ना किसी से नहीं, कुमारी रखती थी वो सारी। कि मुगलों को बड़ा डर लगता था इस बात में कि मुगलों में बाप के मरने के बाद में भाई भाई आपस में लड़के राजा बनते थे, उनको लगता बहन की शादी करते जमाई हो रह जाएगा है ना, इसलिए कि नहीं मुगल राजकुमारी सारी ये जब उनसान जहां आरान बेचारी ऐसे ही मरमुरा गई थी, या भी हुए नहीं थे इनके किसी के। एक तो औरंगजेब की बहन थी रोशन आरा, उसके बारे में औरंगजेब को कोई उसके अफेयर का पता चल गया था औरंगजेब को, तो औरंगजेब जिस बंदे से किसी से अफेयर था औरंगजेब ने उसको बुलवाया, बर्फ की सिल्ली पे उल्टा लिटा लिटा के मारा था उसको बहुत बुरी तरीके से, और अपनी बहन को जहर दे के मार दिया था औरंगजेब। नहीं नहीं ये नहीं, सब शांति एकदम। फिर दुर्गादास जी यहाँ से कहाँ चले गए थे? मेवाड़। भाई 30 साल बाद जब यहाँ से देश निकाला मिला तो कहाँ चले गए? मेवाड़। मेवाड़ में उनको जागीर मिली थी विजयपुर की, कौन सी जागीर मिली? राजा हुआ करते थे अमर सिंह सेकंड, 1708 में जब गए तो राजा कौन है? अमर सिंह। तो उन्होंने कौन सी जागीर दे दी थी? विजयपुर। तो कई दिन तो ये विजयपुर वाली जागीर संभाली थी, फिर इनको मालवा भेज दिया था, मालवा में तब रामपुरा इनके पास में था। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद पढ़ते हैं, तो बाद में इनको रामपुरा का हाकिम बना दिया गया। कहाँ का हाकिम बना दिया गया? देखो मैंने कल दो चीजें बताई थी, एक तो थी जागीरें, एक होते परगने, एक होती जागीर क्या होती परगने, जागीर मिलती तब तो बोलते सामंत, क्या बोलते? परगने मिलते तब बोलते हाकिम, क्या बोलते? तो मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम का क्वेश्चन है कि दुर्गादास जी को मेवाड़ में किस पद पर रखा गया था? हाकिम। क्या बनाया गया था? जागीर तो थोड़े दिन रही थी, बाद में क्या बना दिया गया था? हाकिम। मैं एक एक समझाता हूँ। तो पहले क्या लिखी हुई है? राठौड़ों का यूलिसेस। यूलिसेस यूनान का एक योद्धा था, यूनान का सेनापति था। कहाँ का सेनापति था? यूनान देश है, ग्रीस, ग्रीस जो देश है ग्रीस का सेनापति था। जेम्सटोड कहता है कि जब ग्रीस पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया तो ग्रीस के लोगों को दुश्मनों से मुक्त करवाने वाला यदि कोई बंदा था तो वो कौन था? यूलिसेस। उसी प्रकार जब राठौड़ों पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया तब राठौड़ों को मुक्ति दिलवाने वाला कोई बंदा था तो वो कौन था? दुर्गादास। दुर्गादास क्या? राठौड़ों का यूलिसेस। ऐसा कौन कहता है? तो जेम्सटोड ने दुर्गादास को क्या कहा था? राठौड़ों का यूलिसेस। अगली उपाधि क्या बताओ? राजपुताने का गैरिबाल्डी। कौन है? राजपुताने का गैरिबाल्डी। आप सुनो तो गैरिबाल्डी के बारे में सुनिए। इटली देश है इटली, किसी समय इटली पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस का कब्जा था। किस किस का? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया का और किसका कब्जा था? फ्रांस। नॉर्थ इटली ऑस्ट्रिया, साउथ इटली फ्रांस। नॉर्थ इटली को आजाद करवा लेते हैं और ये लोग इटली वाले चाहते हैं कि इटली का राजा बनना चाहिए, उस बंदे का नाम है विक्टर इमैनुअल। क्या नाम है? विक्टर इमैनुअल को इटली का राजा बनाएंगे। और विक्टर इमैनुअल ने नॉर्थ इटली जीत ली लेकिन अभी तक साउथ इटली को जीता। साउथ इटली में कब्जा है? फ्रांस का।
अब साउथ इटली कैसे जीते हैं सोच रहे थे, इतने में इटली में एक बंदा, उसका नाम है गरिबाल्डी। क्या नाम है? गरिबाल्डी। उस गरिबाल्डी ने अपनी एक सेना बनाई, साउथ इटली पर हमला किया और फ्रांस को वहां से भगा दिया और साउथ इटली पर क्या कर लिया? कब्जा। पर अब सब लोगों को लगा कि साउथ इटली पर कब्जा करने वाला कौन है? गरिबाल्डी। अब इटली के पुनः दो टुकड़े हो जाएंगे, नॉर्थ इटली का राजा कौन होगा? विक्टर इमैनुअल। और साउथ इटली का कौन होगा? गरिबाल्डी। तो यार खा जाएगा साउथ इटली को। लेकिन गरिबाल्डी खुद चला गया विक्टर इमैनुअल के पास आया। उसने आकर, विक्टर इमैनुअल ये साउथ इटली रहा तुम संभालो। अरे तो तुमने जीता तुम क्या करोगे? उसने एक थैला दिखाया कि इसमें कुछ बीज है, खेती करूंगा जाके। गरिबाल्डी चुपचाप अपने बीज लेके चला गया किसी टापू पर, जाके क्या करने लग गया? जिस आदमी ने इटली जीती वो आदमी चुपचाप इटली छोड़ के चला गया कहीं पर, क्या करने लग गया? खेती। जिस आदमी ने मारवाड़ जीता वो आदमी चुपचाप मारवाड़ छोड़ के मेवाड़ चला गया, वहां पर नौकरी कर ली राजपूताने का। भाई बात समझेगी, जितना निस्वार्थ आदमी इटली में कौन हुआ था? गरिबाल्डी। उतना निस्वार्थ आदमी राजस्थान में कोई हुआ तो कौन हुआ? दुर्गादास। यही है, मैं तो हमेशा जब भी बाहुबली मूवी देखता हूँ और उसमें कटप्पा को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दुर्गादास जी ऐसे रहे होंगे। यार कटप्पा केवल उतना ही करता जितना राजा कह रहा है, उसमें इधर से उधर कुछ भी नहीं है। जो राजा ने ऑर्डर दिया उसको फॉलो किया जाएगा, स्वामी भक्ति। तो आज भी जब भी स्वामी भक्ति का नाम आता है हमारे सामने दो ही नाम है, पन्ना धाय और दुर्गादास राठौर। तीसरा नाम चेतक है, मिनख नहीं है, घोड़ा है। मिनखों में तो नाम किसके लिए जाते हैं? है? या तो एक महिला ने अपने बेटे को कटवा दिया अपने राजा को बचाने के लिए, एक बंदे ने 30 साल तक अपने परिवार की परवाह नहीं की, केवल अजीत सिंह को राजा बना, है ना। तो आपको मैं अभी नोटिस करता हूँ कई बार, यार दुर्गादास जी राजा नहीं थे, ना किसी राजा के बेटे थे, ना कोई राजा के भतीजे थे, एक सामान्य व्यक्ति थे। ठीक है, उनके पिताजी थोड़े बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए थे, वो तो बड़ी पोस्ट पर भी नहीं थे, पिताजी का प्यार भी उनको बचपन में मिला। उसके बावजूद मारवाड़ के जितने राजा हुए उनको लोग नहीं जानते, दुर्गादास को जानते। कि आप मालदेव को तब जानोगे जब हिस्ट्री पढ़ोगे। अब आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो आपको नजर मालदेव 52 युद्ध और 58 परगने जीत लिए थे, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, ये वो चार बातें जानते हैं। पर कोई आम आदमी जिसका हिस्ट्री से लेना देना नहीं, क्या मालदेव को जानता है? क्या वो जानता है कि चुंडा ने मंडोर को राजधानी बना लिया था? नहीं जानता, उसका कोई लेना देना नहीं है। पर दुर्गादास को फिर भी जानता है। एक आम आदमी मेहनत करके किस प्रकार सफल हो सकता है उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? पर उसके फिर वो जीवन में दिखता है दुर्गादास जी के, कि स्वामी भक्ति कूट कूट के भरी हुई, अपने स्वामी को बचाना है इसके लिए भले ही अपनी जान बाजी पर लगानी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्वामी को बचाने के लिए अपने परिवार की भी परवाह नहीं करनी है तो परिवार की कोई परवाह नहीं, खुद के बच्चे कहाँ घूम रहे कहाँ कर रहे उनको कुछ भी पता नहीं, बाकी परिवार वाले संभालो, मेरा एक ही लक्ष्य है वो किसको संभालना है? अजीत। दुश्मन के पुत्र पुत्री भी मेरे पास है तो भी उनका ध्यान रखना, उनके साथ भी किसी भी प्रकार का मिसबिहेव होना। उस समय खूब सारे लोगों ने कहा था दुर्गादास जी को कि सफेतु निशा की शादी अजीत सिंह से कर देते हैं, औरंगजेब का सपना है कि अजीत सिंह को पकड़ के क्या बनाऊंगा? मुसलमान। अपने तो औरंगजेब की पोती को हिंदू बना लेते हैं, अजीत सिंह से ब्याह कर देते हैं, अपने पास ही तो बैठी है, कौन रोकने टोकने वाला है अपने को? दुर्गादास जी का नाम क्या मुंह दिखाएंगे रे भगवान को जाके। औरंगजेब लाख बुरे काम करे, हम भी यदि उसके बुरे काम करेंगे तो हम में औरंगजेब में क्या फर्क है? इसलिए आज भी लोग औरंगजेब को भला नहीं बताते, आज भी भला किसको बताया जाता है? जबकि औरंगजेब पूरे भारत का मुगल बादशाह रहा था, औरंगजेब दुर्गादास तो मारवाड़ के भी राजा नहीं है, मारवाड़ के भी सेनापति थे, उस मारवाड़ से भी लास्ट में उनको देश निकाला ही मिल गया था, उसके बावजूद बच्चा बच्चा यदि किसी को जानता था इसको जानता है? अभी मोदी जी 10 दिन पहले जोधपुर में भाषण दे रहे थे, ये दुर्गादास राठौड़ की धरती है मित्रों, नहीं कहा ना उन्होंने ये चुंडा की धरती है, ऐसे थोड़ी कहा, ये रणमल की धरती है। किसकी धरती है? बंदा अपने चरित्र से महान बनता है तो महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, इनमें एक तो महिलाओं वाला जो चीजें दिखती है उस लेवल पर चली जाती है एक्सट्रीम, यार दुश्मन की महिला है तो भी उनका आदर किया जाना चाहिए, महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का मिसबिहेव होना। और तब लगता है कि यार एक तरफ तो हम यूं बड़े छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप की धरती है, हम दुर्गादास राठौड़ की धरती है, फिर हम महिलाओं से मिसबिहेव करते हैं तो दूर है बात, फिर कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए कि हम फलाण जी की धरती है, फलाण जी की धरती है, ये कह देना चाहिए हम दांत के लीचड़ है, हम गए बीते हैं, हम ऐसे ही काम करेंगे, हमसे अच्छे काम होते। फिर आप कहोगे एक तरफ कहोगे जोधपुर दुर्गादास राठौड़ की धरती है, फिर उस जोधपुर पर ही कांड हो जाए, फिर हम कहते हम मेवाड़ महाराणा प्रताप की धरती है, और भीलवाड़ा में सरेआम किसी बच्चे को भट्टी में झोंक दिया जाए, फिर तो बातें ही खत्म हो गई ना अपने आप। तो अपने
केवल महापुरुषों की बात करते हैं, उन महापुरुषों को कतई फॉलो, हम डीपी रखते हैं महाराणा प्रताप की लगे, भाला लिए बिन महाराणा प्रताप खड़े, दिन में 100 बार सोचते हैं इसको, इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये ट्रक के नीचे आ जाए, ये मर जाए। वो यार दुश्मन की महिलाएं थी, उनके बारे में भी वो आदमी बुरा नहीं सोच रहा। इसलिए आप भी यदि या तो महाराणा प्रताप दुर्गादास को आदर्श मानने नहीं, और यदि उनको आदर्श मानने तो फिर जीवन में कम से कम ये तो कि भाई महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का मिसबिहेव, लड़कियों के साथ किसी प्रकार का मिसबिहेव तुम तो धाप के करते हो, कि तुम कितना करते हो देख लो, तुम्हें ऐसे बिठाना पड़ रहा है, तुम कितना करते हो, उसका एग्जांपल ये है कि कोई लड़की क्वेश्चन पूछ ले तुम करने लग जाते हो, तुम्हें खुद कोई शर्म नहीं आती कि अपने अंदर के राम जी को क्या जवाब देंगे रे, तुम उस पर तालियां बजा लेते हो। तुम सोचा करो डेली शाम को 10 मिनट इस बात पर मनन किया करो कि हम किस तरफ आ गए, किधर चले गए हम, इतना तो कम से कम अंदर का राम जी बाकी रहना चाहिए, यार कहाँ हंसना है, कहाँ ताली बजानी, इतना तो पता चले, उन्हें हाथ झिझकने चाहिए ना, नहीं यार यहाँ यहाँ नहीं। सोच जगह आएगी, दूसरी बात आएगी, हमारे बीच में कोई खड़ा होगा, हम उस पर तालियां बजा लेंगे, उस पर जोर जोर से हंस लेंगे, मेरे पे हंस लेंगे, मेरे पे हंस जाएगा, सर पे हंस लेंगे, अपने सर की बातों पे हंस लेंगे, सर का मजाक बना लेंगे, जहां नहीं बनना चाहिए मानी, सही बात समझ में, इतना तो होना ही चाहिए। तो तुम 2 दिन मानते हो, तीसरे दिन वापस हो, हाँ लंगूर हो लंगूर धाप के सारे, कोई बुद्धि नहीं है तुम्हें कहीं। एक और क्या लास्ट वाली क्या है, मारवाड़ का अणबित, मोती मोती समझते हो, समुद्र के किनारे क्या मिलते हैं, मोती। अच्छा अपने मोती क्या करते हैं, मोती लाए, मोती में अपने निकाला छेद, छेद बना ली, माला माला बना लेते। तो मोती जब समुद्र में होता तब प्योर है, लेकिन जब उसमें छेद निकाल दिया तो उसके बीच वाला भाग तो निकल गया, अब वो प्योर नहीं। बिंदने का मतलब होता है छेद निकाल, बिंदने का मतलब दुर्गादास जी प्योर मोती है, उनमें छेद निकाला अणबिंदीय मोती, कैसे मोती है समझ गए, बिंदना मतलब छेद निकाल देना, अणबिंदिया मतलब छेद नहीं निकाला। तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है, राजपुताने का गरिबाल्डी कौन है, जेमस्टोन उनको क्या कहता है, राठौड़ों का, अपने इतिहासकार में गौरी शंकर हीरा चंद ओझा कौन हुए थे, उन्होंने एक बुक लिखी जोधपुर का इतिहास, कौन सी बुक लिखी, 2 पार्ट थे उसका, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड, उसका भाग सेकंड दुर्गादास को समर्पित है, किसको समर्पित किया गया, ये जो बुक है मैं सेकंड पार्ट जो इसको किसको समर्पित कर रहा हूँ, कौन भी चाहिए। उस सेकंड पार्ट में उन्होंने जितने भी राजा लिखे हैं उन राजाओं से भी महान यदि कोई बंदा है तो बंदा कौन है,